पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन अब भी जारी है। कल ईद के दिन भी पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के नौशहरा और अरनिया सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। सीमा पार से की गई इस फायरिंग में भारतीय सेना के जवान विकास गुरंग शहीद हो गए। नौशहरा में पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना की गश्ती दल को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने जिस गश्ती दल को निशाना बनाया वो अपनी सीमा में LOC से 700 मीटर अंदर पेट्रोलिंग कर रही थी। फायरिंग के दौरान गोली लगने की वजह से राइफलमैन विकास गुरंग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। 21 साल के विकास मणिपुर के खुंका खोकी गांव के रहने वाले थे। मुझे दुख भी है, फख्र भी है इंदर, क्योंकि मेरे बेटे ने देश के लिए जीवन दान दिया है। अरनिया सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। BSF ने भी जवाबी फायरिंग कर पाकिस्तान को जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर तोड़ने का असर ईद के मौके पर अटारी बाघा बॉर्डर पर भी देखने को मिला। ईद के दिन पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के विरोध में BSF ने पाकिस्तानी सैनिकों के साथ मिठाइयां भी नहीं बांटी। वहीं जम्मू कश्मीर में LOC पर बड़ी आतंकी घुसपैठ की साजिश का खुलासा हुआ। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 35 आतंकवादी LOC पार से घुसपैठ की फिराक में तैयार बैठे हैं।